हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पीसीआर के बारे में पढ़ने के लिए तैयार हैं। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पीसीआर का फुल फॉर्म होता है, जो आपके सामने लिखा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प लेंगे और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, एक पॉलीमरेज रिएक्शन करवाएंगे। और पॉलीमर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ जो है उसकी कॉपीज बनाते बनाते उसकी एक पूरी लॉन्ग चेन बना देना। जैसे आपके पास कोई एक सिंगल चीज़ है, उसको डुप्लीकेट करते करते उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना देना। तो यहाँ पर भी पीसीआर का यही मतलब है। पीसीआर जो टेक्निक है वो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ ली थी। तो हमारा जो वीडियो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए का आइसोलेशन, और फिर जो सेकंड स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है, उसमें हमने पीसीआर टेक्निक को यूज़ लिया था। और वहाँ पर मैंने बताया था कि पीसीआर एक मशीन होती है जिसके अंदर हम हमारा डीएनए डालते हैं और उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती है कुछ ही टाइम में। तो पीसीआर काम कैसे करता है वो हमको समझना है। ठीक है, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले हमें इसके बारे में कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। इसका काम क्या होता है, डीएनए की कॉपीज़ बनाना। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमें एक छोटा सा डीएनए सैंपल मिला है, उसमें से हमने डीएनए आइसोलेट किया है। अब हमें क्या करना है, 10 लोगों के साथ उस डीएनए को मैच करके देखना है, तो हमें उसकी 10 कॉपी चाहिए। या 50 लोगों के साथ वो डीएनए सैंपल हमें मैच करके देखना है, तो हमें उसकी 50 कॉपी चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, पीसीआर का यूज़ करके हम उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। अब ये कॉपीज़ हम बनाते कैसे, तो उसको हम आगे समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन है कि इसमें हम जो है वो एक एंजाइम यूज़ लेते हैं जिसका नाम लिखा है आपके सामने डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है। यानी हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचर नहीं होगा, वो एंजाइम फिर भी काम करेगा। और उसका दूसरा नाम हम उसे ये भी बोल सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, कैसे काम करता है, वो प्राइमर की तरह काम करता है। प्राइमर मतलब किसी भी काम को शुरू करवाना, किसी भी काम को इनिशिएट करवाना। तो इसका काम क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टू 3 डेज एंड टेम्पलेट डीएनए। अब इसका मतलब क्या, वो आप आगे समझोगे कि जो आप डीएनए डाल रहे हो उस मशीन के अंदर, उसके अंदर भी क्या होता है, जो आपका टेम्पलेट डीएनए होता है उसका जो 3 डेज एंड होता है, डीएनए में 2 एंड होते हैं, एक 3 डेज एक 5 डेज। तो 3 डेज एंड पे ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है या जो टैग पॉलीमरेज होता है वो वहाँ आकर जुड़ता है, और वहाँ से वो क्या करता है, प्राइमर की तरह काम करता है, किसी भी रिएक्शन को शुरू करने का काम करेगा वो। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड्स की, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे डीएनए की कॉपीज़ बना रहे हो, तो आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पीसीआर जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट यहाँ लिखा है डीनेचुरेशन, सेकेंड यहाँ लिखा है एनलिंग, और थर्ड लिखा है एक्सटेंशन। सबसे पहले जो स्टेप फर्स्ट है डीनेचुरेशन, वो होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। और इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो डीएनए डाला है मशीन के अंदर, यानी जिस डीएनए की हमको कॉपीज़ बनानी है, वो डीएनए कैसा होता है, डीएनए हमेशा आपको पता है डबल स्ट्रैंड होता है। तो यहाँ पर ये देखो, डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास डबल स्ट्रैंड डीएनए, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डीनेचुरेशन करते हैं, मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जो आपने डबल स्ट्रैंड डीएनए अंदर डाला है, उन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से पकड़कर दूर कर दिया जाता है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनको ब्रेक कर दिया जाता है, और दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, डीनेचुरेशन किया, यानी दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड थे उनको दूर दूर कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप का नाम क्या है, एनलिंग। ये होता है 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब इसमें क्या बोला है कि प्राइमर कम एंड अटैच टू टेम्पलेट। आपने जो ये दो अलग अलग किए ना डीएनए, ये दोनों टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। यानी टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया कि ये डीएनए तो है ही आपके पास, ठीक है, जिसको आपने अलग अलग किया, अब ये अपने सामने है ना, अपना जो सेकंड पार्ट है उसको ये जनरेट कर लेंगे, उसको बना देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास में 2 डीएनए बन जाएंगे। देखो, पहले ये एक ही डीएनए था, डबल स्ट्रैंड था, आपने क्या किया, इसको खोल दिया, अलग अलग कर दिया। अब ये क्या करेंगे, दोनों ही अपने सामने एक एक स्ट्रैंड बना लेंगे, ये वाला भी अपने सामने एक स्ट्रैंड बनाएगा और ये भी बनाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में 2 डीएनए बन जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग खोल देंगे, फिर ये दोनों अपने अपने सामने अपना स्ट्रैंड बना लेंगे, तो फिर इस तरीके से और कॉपीज़ बन जाएगी। इस तरीके से काम रिपीट होता रहता है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एनलिंग में सबसे पहले यहाँ एक प्राइमर आता है। प्राइमर का मतलब होता है कि न्यूक्लियोटाइड की एक सिक्वेंस होती है जो हम डालते हैं। ठीक है, अब वो सिक्वेंस क्या करेगी, वहाँ जाकर जुड़ेगी। वैसे तो ये 3 डेज एंड पे जुड़ती है, लेकिन 3 डेज एंड पे भी ये वहाँ जुड़ेगी जहाँ पर इसकी सिक्वेंस होगी। जैसे मान लीजिए आपने जो प्राइमर अंदर डाला है, वो आपने ये डाला है, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो अब आपको पता है एडिनिन किससे जुड़ता है, तो वो अपनी इस सिक्वेंस के अकॉर्डिंग सिक्वेंस ढूंढेगा डीएनए में, जो आपका टेम्पलेट डीएनए उसमें ये सिक्वेंस ढूंढेगा और वहाँ जाकर ये जुड़ जाएगा।
ठीक है। तो ये जो प्राइमर होता है ये नॉन होता है क्योंकि हम खुद डाल रहे हैं। तो प्राइमर मतलब न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस होती है, उसको हम डालते हैं, वो जाकर जो आपके टेम्पलेट डीएनए होते हैं वहाँ पर अपनी सीक्वेंस ढूंढती है और वहाँ जाकर जुड़ जाती है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्राइमर यहाँ आके जुड़ा है अब ये एक्सटेंशन का काम करेगा, मतलब कंप्लीट डीएनए इसको बनाना है। प्राइमर तो आके जुड़ गया लेकिन अभी कंप्लीट डीएनए इसको जनरेट करना है, पूरा डीएनए बनाना है, पूरा उसके सामने वाला इसको जनरेट करके देना है। तो देखिए थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन में क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड अटैच एंड मेक न्यू डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज अटैच टू प्राइमर। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपने ये जो प्राइमर जोड़ दिया ये ऑरेंज कलर से यहाँ प्राइमर है और उसके पास में ये जो पिंक कलर वाला चीज़ है ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड को पकड़ पकड़ कर यहाँ लाके जोड़ता जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास देख लीजिए, जैसे मान लीजिए स्ट्रैंड जो है ना, इस पर एडिनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एडिनिन के सामने कौन सा चाहिए हमको, तो वो यहाँ लाके उसको जोड़ेगा, थायमिन के सामने कौन सा चाहिए उसको लाके यहाँ पे जोड़ेगा, ताकि डीएनए की पूरी कॉपी बन के तैयार हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्या किया, जो अपना डीएनए था डबल स्ट्रैंड उसको अलग अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड उनको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने क्या किया, प्राइमर जोड़ दिया, ठीक है। फिर प्राइमर के बाद थर्ड स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया और फिर डीएनए पॉलीमरेज ने अपना काम करना शुरू किया, उसने न्यूक्लियोटाइड लाल ला के यहाँ जोड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे करते करते क्या होगा, इसके सामने भी इसका स्ट्रैंड बन जाएगा और इसके सामने भी इसका स्ट्रैंड। तो इस तरीके से हमारे पास में दो डीएनए बन गए, स्टार्टिंग में ये एक ही था अब दो बन गए। फिर क्या होगा, फिर से हम इनको अलग अलग करेंगे, फिर इस तरीके से काम शुरू होगा। तो इस तरीके से जो पीसीआर मशीन होती है वो बहुत सारी कॉपीज़ जो है उनको रेडी कर देती है। तो ये होती है पीसीआर टेक्नोलॉजी, ये इस तरीके से काम करती है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में था, ठीक है। थैंक यू सो मच।